हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ आपके साथ लेकर के राजस्थान के इतिहास को। हमने जो है 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है, प्रकरण जो है पूर्ण कर लिया है। हमने 1857 की क्रांति का प्रकरण पूरा किया है और इसके बाद जो अपना नया प्रकरण शुरू हो रहा है वो हो रहा है राजस्थान के किसान आंदोलन। क्या बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन जी? किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन इसकी बात करेंगे। शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन। अपने बात करेंगे अगले नए प्रकरण के, कौन सा? राजस्थान के किसान आंदोलन। तो अपने अब तक जो है राजस्थान के इतिहास के दरमियान हमने पढ़ा है महाराणा प्रताप को, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें केसरी सिंह भारट, जोरावर सिंह भारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। उसके बाद हमने 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी और उसमें कुछ मैंने जो है भारतीय क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैंने उसमें समाहित किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आप जो है हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, इत्मीनान से पूरे का पूरा सिलेबस जो आपका पूर्ण करवाया जाएगा। तो आज हमारा जो नवीनतम प्रकरण है वो लेकर के प्रस्तुत हूँ मैं, राजस्थान के किसान आंदोलन। इनकी बात शुरू करते हैं। तो बात करता हूँ मैं मेवाड़ से। कहाँ से बात करूँगा? राजस्थान में मेवाड़ से। मेवाड़ भूमि, कौन सी भूमि? मेवाड़ की भूमि। मेवाड़ से किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। तो थोड़ी सी अपने जानकारी होनी चाहिए कि मेवाड़ की जो भूमि है उसमें 87% भूमि थी वो जागीरदारों, उन किसके पास? जागीरदारों के अधिकार क्षेत्र में थी। कितने प्रतिशत भूमि? 87% भूमि। और इसके अलावा अपन बात करें तो 13% जो भूमि है, कितने प्रतिशत? 13% भूमि महाराणा के नेतृत्व में थी। किसके? मेवाड़ महाराणा के नेतृत्व में थी। ये जो है 13% भूमि मेवाड़ महाराणा के अधिग्रहण में आती थी और 87% जो भूमि है वो क्षेत्र जागीरदारों के अंतर्गत आता था। तो 87% भूमि पर जागीरदारों का अधिकार था और 13% भूमि जो है सीधी महाराणा के नेतृत्व में थी। यहाँ पर मैं बात करूँगा राजस्थान की। अगर पूरे भारत की अपन बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो ये जो है अपना पूरा भारत और हमारा यहाँ राजस्थान, और राजस्थान जो हैं, राजस्थान की बाह्य शेप अपन देखते हैं तो इस तरह की राजस्थान की शेप बनती हैं। और राजस्थान में यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक रियासत थी मेवाड़, वहाँ से संदर्भ, इसी संदर्भ में, मेवाड़ के संदर्भ में अपन बात करेंगे आज कि मेवाड़ से जो है सबसे पहले किसान आंदोलनों की शुरुआत होती है। किसकी? किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? भौरे भारत के संदर्भ में अगर बात करूँ तो भी जो है मेवाड़ में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? बिजोलिया। कौन सा क्षेत्र? बिजोलिया। ये जो बिजोलिया है यहाँ से प्रथम बार किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत के संदर्भ में बात करता हूँ कि पूरे भारत में अगर कोई ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पर प्रथम बार किसान आंदोलन हुआ तो वो हमारे राजस्थान की मेवाड़ रियासत से प्रारंभ होता है। और मेवाड़ के अंतर्गत भी अपन ने एक ठिकाने की बात की, बिजोलिया की। बिजोलिया में जो है किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ में भूमि जो है 87% जागीरदारों के नेतृत्व में थी, जबकि 13% भूमि जो है मेवाड़ महाराणा के नेतृत्व में सीधी थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन बात करते हैं। बिजोलिया मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था जी? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे जी अपने आज। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है मैं आपको बता दूं, यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन है जो पूर्ण रूप से संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन रहा है। प्रथम संगठित
वह अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। पूरे भारत की बात भी करते हैं तो प्रथम किसान आंदोलन यही आता है। तो बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना, इसका प्राचीन नाम था जी विजयावली। क्या नाम था? विजयावली। विजयावली नाम से इसको जाना जाता था और ये इसका प्राचीन नाम है। किसका? बिजोलिया का प्राचीन नाम। और बिजोलिया जो है, इससे भी पहले की बात अपन करते हैं कि 1527 में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था जी? खानवा का युद्ध हुआ था। इस खानवा युद्ध में राणा सांगा ने, किसने? महाराणा सांगा के द्वारा एक व्यक्ति था अशोक परमार। कौन था जी? अशोक परमार। ये अशोक परमार जो है जगनेर का था। कहाँ का था जी? जगनेर का। ये जो जगनेर स्थान है ये पड़ता है जी भरतपुर में, पूर्वी राजस्थान में। वर्तमान में जगनेर कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में। इस जगनेर का अशोक परमार था। इसने राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था। इसकी बहादुरी से, इसके पराक्रम से प्रभावित होकर के महाराणा सांगा ने जो है इसे एक जागीर दी थी ऊपरमाल की। कौन सी जी? ऊपरमाल की एक जागीर इसे भेंट दी थी। और इस ऊपरमाल का ही सदर मुकाम जो था वो था जी बिजोलिया। क्या था? सदर मुकाम। ये सदर मुकाम कौन था जी? बिजोलिया था। तो इस तरह से ये अपने बिजोलिया क्षेत्र की भूमिका जो है रही हैं। फिर से जो है प्रत्येक पंक्ति वाइज अपन बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। पूरी व्यापक स्तर पर बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बिजोलिया में क्या क्या कंडीशन रही, क्या हालात रहे, किन हालातों में किसान आंदोलन हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन का अगर श्रेय दिया जाए तो वो किसको जाता है? संगठित किसान आंदोलन का बिजोलिया को दिया जाता है। अहिंसात्मक किसान आंदोलन की बात करें तो भी कौन सा रहा? बिजोलिया किसान आंदोलन रहा। अगर अपन समय की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है। कुल मिलाकर के 44 वर्ष चलता है। कितने वर्ष चलता है जी? 44 वर्ष। और यह प्रथम संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था भारत का। अब बिजोलिया के संदर्भ में थोड़ी सी बातें करूंगा। बिजोलिया जो है मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। कौन सी श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अगर मैंने अभी अभी बात की आपसे, संस्थापक की बात करते हैं अपन, किसकी? संस्थापक की। तो संस्थापक इसका था जी अशोक परमार। कौन था जी? अशोक परमार। ये जो अशोक परमार है बिजोलिया का संस्थापक था। कहाँ का था? जगनेर का था जी। जगनेर मैंने आपको बताया कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है जी। जगनेर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और संस्थापक अशोक परमार है। ये मूल निवासी जो है जगनेर भरतपुर का था। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1527 के अंदर, कब जी? 1527 के अंदर एक युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा युद्ध। इस खानवा युद्ध में अशोक परमार के पराक्रम से प्रभावित होकर के जो है महाराणा सांगा ने इसे ऊपरमाल की जागीर जो है भेंट की थी और इस बिजोलिया क्षेत्र को जो है भेंट कर दिया। किसे? महाराणा सांगा ने दे दिया। किसे? अशोक परमार को। अब बिजोलिया के संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी बहुत और बातें करने चाहूँगा कि बिजोलिया जो है इसका क्षेत्रफल, बिजोलिया ठिकाने का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 100 वर्ग मील में था। कितना क्षेत्र था जी? 100 वर्ग मील में था। और अगली मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बिजोलिया में जब आंदोलन हुआ ये क्षेत्रफल 100 वर्ग मील था और यहाँ जो गांव हैं वो 25 गांव थे। इस 100 वर्ग मील क्षेत्र में कितने गांव थे? 25 गांव थे जी। अगर बिजोलिया क्षेत्र की तत्कालीन जनसंख्या की अपन बात करते हैं तो 1921 में, यानी 1921 की बात करते हैं तो 1921 में 12,000 जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी जी बिजोलिया की 1921 में? 12,000। लेकिन अपन 1931 की जनसंख्या की बात करेंगे, 1931 में इसकी जनसंख्या थी जी 15,000। कितनी जनसंख्या थी बिजोलिया की? 15,000 जनसंख्या थी। और फिर जो है इस 15,000 जनसंख्या में से मैं बात करूं किसानों की, किसकी बात करूं?
किसानों की बात करूं तो किसानों की जो जनसंख्या थी वो थी जी 10,000। कितने किसान थे? 10,000 किसान थे। तो इन 10,000 किसानों में भी अगर मैं बात करूं, एक जाति थी धाकड़, जो कि जाटों के अंदर पाई जाती है। कौन सी? धाकड़ जाति। इस धाकड़ जाति के जो किसान थे वो थे जी 6,000। कितने थे? 6,000 थे। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि धाकड़ जाति के जो किसान थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, उनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो टोटल किसान 10,000 और 6,000 जो हैं धाकड़ जाति के किसान थे, तो टोटल इनकी जनसंख्या हो गई जी 60%। धाकड़ जाति के किसानों की जनसंख्या कितनी होगी? 60%। और बिजोलिया में जब किसान आंदोलन प्रारंभ होता है तो यहाँ का ठाकुर होता है कृष्ण सिंह। कौन था जी? कृष्ण सिंह, ये ठाकुर था कृष्ण सिंह। और इस कृष्ण सिंह के समय कहते हैं कि 84 प्रकार की लागबाग या कर, 84 प्रकार के लागबाग या कर जो है बिजोलिया क्षेत्र के किसानों से वसूल किया जाता था, और इसी अवज में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर आगे की बात करते हैं जी अपन बिजोलिया के संदर्भ में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं अपन। पूरे भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था ये बिजोलिया। और आगे की जो बात कर रहा हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था जी। कितने चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया की बात कर रहे हैं, ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में जी? 3 चरणों में। अब अपन पहले चरण की बात करेंगे, यानी प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात की तो प्रथम चरण के दौरान जो है ये कहते हैं कि यह आंदोलन चला था 1897 से 1906 तक, सॉरी 1916 तक प्रथम चरण था इसका, 1897 से 1916 तक। और ये जो प्रथम चरण था इसका नेतृत्व, इसका क्या जी? नेतृत्व एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम आता है साधु सीताराम दास। क्या जी? साधु सीताराम दास नाम का व्यक्ति था। इसने इस किसान आंदोलन के प्रथम चरण का 1897 से लेकर के 1916 ईस्वी तक जो है नेतृत्व किया था। दूसरे चरण की बात करते हैं अपन, 1900 द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की बात करेंगे जी अपन। द्वितीय चरण 1916 से लेकर के 1927 तक ये सबसे कुशल नेतृत्व रहता है द्वितीय चरण का। और जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता इस समय थे विजय सिंह पथिक। कौन था जी? विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह पथिक के व्यक्तित्व में अपन पढ़ चुके हैं कि इनका जो मूल नाम था वो था जी भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर। ये भूप सिंह गुर्जर जो है गुठावली बुलंदशहर के थे। जन्मस्थान गुठावली है, बुलंदशहर में जन्म होता है। मैंने आपको बताया कि विजय सिंह पथिक भारत व्यापी सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे, और इन्हें जो है राजस्थान भेजा गया था उस समय। तब ये पकड़े जाते हैं गोपाल सिंह खरवा के साथ, और इन्हें अजमेर की टॉटगढ़ जेल में रखा जाता है, और वहाँ से ये फरार हो जाते हैं। उसी समय अपना नाम जो है रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। क्या रख लेते हैं जी? विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। और ओछड़ी गांव पड़ता है एक चित्तौड़ में, वहां जाकर के जो है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास इन्हें सौंपते हैं। तो तीसरे चरण की बात करेंगे अपन, तृतीय चरण। तृतीय चरण इसका राजी 1927 से लेके 1941 तक तीसरा चरण जो है इसका रहा था। नेतृत्व करता इस समय एक व्यक्ति का नाम आता है नेतृत्व में, नेतृत्व करता जमना लाल बजाज। कौन था जी? जमना लाल बजाज। अगर आपके विकल्प में जमना लाल बजाज नहीं दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए? जमना लाल बजाज नहीं दिया जाए तो आपको कर देना है माणिक्य लाल। क्या कर देना है? माणिक्य लाल वर्मा। क्या कर देना है जी? माणिक्य लाल वर्मा कर देना है। नेतृत्वकर्ता तीसरे चरण का कौन? जमना लाल बजाज या माणिक्य लाल वर्मा। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था।
और बिजोलिया में प्रथम भारत का किसान आंदोलन होता है, जो कि संगठित और अहिंसात्मक प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है पूरे भारत का। और जो बिजोलिया ठिकाना है, इसकी स्थापना जो है अशोक परमार के द्वारा की जाती है, जो कि जगनेर का था और जगनेर भरतपुर में पड़ता है। ये बिजोलिया की जागीर जो है, उपरमाल क्षेत्र की जो जागीर है, राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को दी गई। और इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया, विजयावली। और ये 100 वर्ग मील के क्षेत्रफल में है बिजोलिया ठिकाना, और यहाँ पर तत्कालीन समय के अंदर 25 गांव थे। और 1921 के दौरान मैंने आपको ये बताया कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 12,000 थी, और 1931 में यहाँ की जनसंख्या 15,000 हो गई। 15,000 में से मैंने आपको बताया 10,000 लोग यहाँ पर किसान थे, और 10,000 में से अपन ने बात की कि 6,000 किसान जो है धाकड़ जाति के थे, यानी टोटल किसानों की जनसंख्या का 60% धाकड़ जाति के किसान थे, जिनके द्वारा जो आंदोलन है उसका आगाज किया जाता है। और 3 चरणों में ये किसान आंदोलन चला था। प्रथम चरण 1897 से लेकर के 1916 तक चलता है। इस दरमियान इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया जाता है। द्वितीय जो चरण है 1916 से लेकर के 1927 तक चलता है। इस दौरान किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है, जिसका मूल नाम अपन पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व के दौरान भूप सिंह गुज्जर था, टोटगढ़ जेल से फरार होने के बाद ये विजय सिंह पथिक अपना नाम रखते हैं। तृतीय चरण जो है 1927 से लेकर के 1941 चलता है, और इस दौरान जो है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज व माणिकलाल वर्मा के द्वारा किया जाता है। तो आगे की बात अपन करते हैं जी, क्या करते हैं जी, आगे की बात करते हैं, बिजोलिया के ठाकुरों की बात करते हैं। किसकी? बिजोलिया के ठाकुरों की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 3 ठाकुर रहे। कितने ठाकुर रहे जी? 3 ठाकुर रहे। अब मैं आपको बात करता हूं कि प्रथम जो ठाकुर था वो था जी कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह। ये ठाकुर राजी 1897 से लेके 1906 तक कौन रहा? कृष्ण सिंह रहा। इसके बाद जो है दूसरा ठाकुर आता है पृथ्वी सिंह। कौन? क्या नाम है जी? पृथ्वी सिंह दूसरा ठाकुर होता है इस किसान आंदोलन का, और ये रहता है 1906 से लेकर के 1914 तक। कब तक रहता है? 1906 से 1914 ईस्वी तक। दूसरा ठाकुर कौन? पृथ्वी सिंह। तीसरे की बात अपन करेंगे केसरी सिंह। कौन सा ठाकुर? केसरी सिंह। ये जो केसरी सिंह है जी, ये रहता है 1914 से लेकर के 1941 ईस्वी तक, और 1941 में इसी के शासनकाल में, इसी के ये जब ठिकाने का शासक होता है उसी समय बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो जाता है जी? समाप्त तो हो जाता है। अब आगे की बात करता हूँ। अब एक बात और, ठाकुर तो ये रहे, लेकिन ये बताता हूँ आपको कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसके दूसरे चरण तक, दूसरा चरण अपन ने पढ़ा था 1916 से लेकर के 1927 तक, सेकंड चरण था। कौन सा चरण था? द्वितीय चरण था। इस द्वितीय चरण तक, कौन से? सेकंड चरण तक जो मेवाड़ महाराणा है, कौन जी? मेवाड़ महाराणा ये थे जी फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा इस दौरान कौन था द्वितीय चरण तक? फतेह सिंह थे। समझ में आई बात? फिर आगे की बात करते हैं जी, ये आंदोलन की मुख्य घटना क्या रही, कब प्रारंभ हुआ, ये सारी की सारी जानकारी बिजोलिया के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा यहाँ। तो यह किसान आंदोलन कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 में। कब होता है जी प्रारंभ? प्रारंभ हो गया जी 1897 में। नेतृत्व किया जी इसके प्रथम चरण का किसने किया? अभी मैंने बताया साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास द्वारा। किसके द्वारा जी? साधु सीताराम दास के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। प्रारंभ कब? 1897 में साधु सीताराम दास इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक अन्य चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये जो आंदोलन है 1913 में प्रारंभ होता है। कब होता है? 1913 में। और साधु सीताराम दास के साथ 2 व्यक्ति और थे। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। एक तो था
फतेह करण चारण, कौन जी? फतेह करण चारण वह दूसरा आदमी था। फतेह करण चारण वह ब्रह्मदेव, कौन था जी? ब्रह्मदेव। फतेह करण चारण वह ब्रह्मदेव, ये दो व्यक्ति उस दौरान हमको मिलते हैं। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान में जो किताबें चल रही हैं उन किताबों में हमें ऐसा मिलता है कि इस आंदोलन का प्रारंभ साधु सीताराम दास 1913 में करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, राजस्थान लोक सेवा आयोग के दौरान जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, इस आंदोलन का प्रारंभ का जो उत्तर या तिथि मानी गई है वो 1897 में ही मानी गई है। क्या मानी गई है जी? 1897 मानी गई है। प्रारंभकर्ता कौन? साधु सीताराम दास जी। तो साधु सीताराम दास प्रारंभ करते हैं, कब करते हैं? 1897 में करते हैं। और प्रारंभ करते समय घटना क्या होती है ये भी बताऊंगा कि प्रारंभ होता है एक गांव है गिरधारीपुरा। कौन सा गांव? एक गांव है जी गिरधारीपुरा। कौन सा गांव की बात की? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव में एक किसान है गंगाराम धाकड़। कौन सा धाकड़? गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ के पिता की क्या हो जाती है? इस गंगाराम धाकड़ के पिता की क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। तो इस गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के दौरान किसान एकत्रित होते हैं। किसान एकत्रित होते हैं मृत्यु भोज पर। कब होते हैं जी? मृत्यु भोज पर एकत्रित होते हैं। तो साधु सीताराम दास के द्वारा क्या होता है? साधु सीताराम दास के द्वारा जो है दो व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता है। अभी बताता हूँ पूरी बात कि इस मृत्यु भोज पे किसान इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद होता क्या है कि ये जो नेतृत्व करता है कौन? साधु सीताराम दास। ये दो व्यक्तियों को, किसको जी? दो व्यक्तियों को भेजता है। भेजता है कहाँ? भेजता है जी तो मेवाड़ महाराणा के पास। मेवाड़ है महाराणा के पास भेजता है। क्यों भेजता है? कृष्ण सिंह की शिकायत है। तो इस समय ठाकुर कौन था? कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए दो व्यक्ति कौन कौन से जाते हैं जी? एक तो जी जाते हैं ठाकरी पटेल। कौन जी? ठाकरी पटेल। ये थे जी गोपाल निवास के। कहाँ के थे? गोपाल निवास के। और एक जाते हैं नानजी। कौन जी? नानजी पटेल। ये जी बेरीशाल के थे। कहाँ के थे? बेरीशाल के। समझ में आई? नानजी पटेल, सॉरी ठाकरी पटेल गोपाल निवास के, नानजी पटेल बेरीशाल गांव के थे। समझ में आई जी बात? तो इन लोगों को भेजा जाता है किसके पास? इस कृष्ण सिंह के पास भेजा जाता है, सॉरी इस मेवाड़ महाराणा के पास भेजा जाता है। किसके पास? मेवाड़ महाराणा इस समय कौन है जी? मेवाड़ महाराणा है फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन था? फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा इस समय कौन? फतेह सिंह। इसके पास इन दोनों व्यक्तियों को भेजा जाता है बिजोलिया ठिकाने की शिकायत लेकर के। दो व्यक्ति जाते हैं ठाकरी पटेल गोपाल निवास के, नानजी पटेल बेरीशाल गांव के। समझ में आई बात? तब जो क्या होता है जी, ये दोनों जाते हैं। मेवाड़ महाराणा इनकी बात को सुनते भी हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। किस पर? कृष्ण सिंह पर। तब क्या होते हैं,
होता है जी इस कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है हौसला। किसका बढ़ गया? कृष्ण सिंह का बढ़ गया। तो कृष्ण सिंह ने इन दोनों व्यक्तियों को, किन दोनों व्यक्तियों को? ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, समझ में आई? इन दोनों को क्या कर दिया? बिजोलिया जो ठिकाना था इससे निर्वासित कर दिया। किसको जी? नानजी को व ठाकरी पटेल को। क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। कहाँ से? बिजोलिया किसान, बिजोलिया क्षेत्र से निष्कासित कर दिया जाता है। तब जो है साधु सीताराम दास यहाँ पर एक पुस्तकालय पद पर थे, उन्हें भी यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये किसानों का प्रथम प्रयास था बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। और ये प्रथम प्रयास उनका क्या रहता है जी? प्रथम प्रयास ये रहता है जी असफल। क्या रहता है? असफल रहता है। अब एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 में। प्रारंभ कौन करता है? साधु सीताराम दास के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 1913 में प्रारंभ होता है। इसके साथ फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव दो व्यक्ति और होते हैं। इसके अलावा आपको मानना इसका उत्तर 1897 ही है, जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में माना गया है। मैंने आपको बताया कि गिरधारीपुरा गाँव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु होती है और गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के मृत्यु भोज पर किसान एकत्रित होते हैं। किसानों में आपसी वार्तालाप होता है। तब ये निर्णय लिया जाता है कि दो व्यक्ति नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर के मेवाड़ महाराणा के पास भेजा जाता है और मेरा मेवाड़ महाराणा इस पर सुनवाई करते हैं, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ जाते हैं। वो नानजी और ठाकरी पटेल को क्या कर देता है? बिजोलिया ठिकाने से निष्कासित कर देता है। और ये किसानों का मैंने आपको बताया कि पहला प्रयास था, और पहले प्रयास में वो क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, याद आ गई थी कि यहाँ पर बिजोलिया के अंदर दो पद्धतियाँ थी कर वसूल करने की। कितनी पद्धतियाँ थी? दो पद्धतियाँ थी। एक तो थी लाटा और दूसरी थी कुंता। कौन सी जी? दो पद्धतियां थी, लाटा व कुंता। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि 84 प्रकार के जो कर हैं बिजोलिया ठिकाने से वसूले जाते थे। और लाटा और कुंता का मतलब होता है कि लाटा जो है इसमें अनाज की ढेरी की जाती थी और अनाज को बांटा जाता था ढेरियों में, और कुंता जो है खड़ी फसल का आइडिया लेकर के अनाज को बांट लिया जाता था जागीरदार और किसानों के मध्य, जिसे कुंता कहा जाता था। तो ये भी प्रमुख कारण रही थी किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का। अब कृष्ण सिंह ने यहाँ क्या कर दिया? कृष्ण सिंह ने आगे ये कर दिया कि यहाँ कर 1/3 था। कितना था जी? 1/3 कर था, और इसको बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? कर दिया जी 1/2। कितना कर दिया? बढ़ा करके 1/2 कर दिया। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा था किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण रहा। तो अपन कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना, संस्थापक अशोक परमार, जो कि जगनेर से था। जगनेर कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है जी। और इसके कितने चरण रहे? तीन चरण रहे। तीन चरणों में अपन ने बात की थी कि तीन चरणों की जो शुरुआत है, पहले में नेतृत्व जो है साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया, और साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व 1897 से लेकर के 1916 तक किया। 1916 में दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस चरण के दौरान विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करते हैं, और 1927 तक विजय सिंह पथिक द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और तृतीय चरण 1927 से 1941 तक चलता है। इसके बाद की मैं बात करूंगा, यहाँ तक घटनाएं कि नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा जाता है मेवाड़ महाराणा के पास। तो मेवाड़ महाराणा जो हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, और कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए, और कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को क्या कर दिया? बिजोलिया ठिकाने से निष्कासित कर दिया। और लाटा व कुंता, जो मैंने आपको दो पद्धतियां बताई, वो भी इसको बढ़ावा देने में उनका मुख्य सहयोग था किसान आंदोलन को। और फिर जो है कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ का कर 1/3 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया जी? 1/2 कर दिया गया।
1903 में ही इस कृष्ण सिंह ने एक और भयंकर कार्य किया था बिजोलिया के अंदर, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1903 में, कौन से सन की बात है 1903 की, ठाकुर इस समय कौन है, कृष्ण सिंह, कौन सा ठाकुर बिजोलिया का, कृष्ण सिंह। इस कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंदर एक कर लगा दिया जी, कौन सा कर, चौरी कर। ये चौरी कर जो है प्रत्येक प्रति परिवार लिया जाता था, प्रति परिवार लिया जाता था, कितना लिया जाता था जी, 5 रुपए, कितना, 5 रुपए। 5 रुपए क्यों लिया जाता है, ये चौरी कर क्या था, यानी बिजोलिया ठिकाने के अंदर किसी भी किसान की बेटी की जब शादी होती तो उस शादी के दौरान 5 रुपए ठाकुर को देने पड़ते थे वधू पक्ष की ओर से, यानी वधू के पिता को। तो जो है इस समय 2 वर्ष तक ऐसा माना जाता है कि बिजोलिया के अंदर किन्हीं लड़कियों की शादी नहीं की गई, और बहुत सी लड़कियां जो हैं शादी के योग्य हो गई, तब मेवाड़ महाराणा इसे सॉरी कृष्ण सिंह के पास, बिजोलिया के ठाकुर के पास गए लोग, तो उन्होंने उनको भला बुरा भी कहा। तो जो है ये एक मुख्य कारण ये भी रहा, क्योंकि चंवरीकर का अन्य भार जो है इनके ऊपर लाद दिया गया था। अब जी 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई, कृष्ण सिंह की। कब होती है कृष्ण सिंह की मृत्यु, कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है जी 1906 में। इस कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, कब हो गई, 1906 में। नया ठाकुर बन गया जी 1906 में, कृष्ण सिंह की मृत्यु, अपने नया ठाकुर बनाएंगे अब किसान आंदोलन में, कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे जी पृथ्वी सिंह, कौन सा, पृथ्वी सिंह। तो दूसरा ठाकुर बना पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह शासक बनता है बिजोलिया का, 1906 में ठाकुर बनता है, और इसके द्वारा जो है एक नया कर लगा दिया जाता है, कौन सा, एक नवीन कर इसने लगा दिया, वो था तलवार बंधाई, कौन सा, तलवार बंधाई कर, या इसे आप बोल सकते हो उत्तराधिकार शुल्क, क्या जी, उत्तराधिकार शुल्क बोल सकते हो। ये जो है देना पड़ता था प्रत्येक ठिकाने के प्रत्येक किसान से वसूला गया, और ये जो आर्थिक भार किसानों पर डाला गया ये किसानों को अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं लगा, तलवार बंधाई कर। फिर जो है आगे की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि 1897 से 1906 कृष्ण सिंह रहा, और कृष्ण सिंह की मृत्यु 1906 में हुई, तो नया ठाकुर बन गया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने 1906 में क्या लगा दिया, तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया। तो इसके बाद 1914 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, पृथ्वी सिंह की। 1914 में जैसे ही पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई, नया ठाकुर बना कौन जी, केसरी सिंह बनता है। 1914 में ठाकुर बन गया केसरी सिंह, केसरी सिंह की बात करते हैं जी। 1914 में केसरी सिंह बना। मैंने आपको बताया कृष्ण सिंह ने 1/2 से 1/3 से बढ़ा करके 1/2 कर दिया था यहाँ का आकार, लेकिन इस केसरी सिंह ने 1/2 से घटा करके वापस कर दिया 1/3, कितना कर दिया, 1/3 कर दिया कर को। तो थोड़ी सी किसानों को यहाँ राहत मिली थी इस दौरान, और 1914 में ही ये कर घटा दिया गया था। और केसरी सिंह के समय की एक और घटना का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, वो कौन सा था कि केसरी सिंह के समय बिजोलिया ठिकाने की जनता से एक कर वसूला गया था, उस कर का नाम है युद्ध कर। कौन सा कर, युद्ध कर। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध इस दौरान जो है शुरू हो चुका था, और युद्ध के नाम पर कर वसूला गया लोगों से, और उस समय जो है इनको ये बात भी क्या नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अकाल की स्थिति थी बिजोलिया में उस समय। केसरी सिंह के समय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, तो द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जी आंदोलन का 1916 से लेकर के 1927 तक। कौन से चरण की बात करें अपन, द्वितीय चरण की। ये द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया जी आपका 1916 से लेकर के 1927 ईस्वी तक। इस दौरान जो नेतृत्व किया वो किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने, विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक
ये दूसरा चरण है। नेतृत्व किया जाता है जी किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है दूसरे चरण का। और विजय सिंह पथिक के संदर्भ में मैं आपको व्यक्तित्व के दौरान बता चुका हूँ कि ये जो है बुलंदशहर से थे, गुठावली गांव था वहाँ पर इनका जन्म हुआ, मूल नाम इनका भूप सिंह गुज्जर था। और बाद में 1915 में जैसे ही टेवड़गढ़ जेल से ये फरार होते हैं तो अपना गुप्त नाम रख लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, क्या नाम रखते हैं, विजय सिंह पथिक रखते हैं। तो विजय सिंह पथिक को जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास के द्वारा सौंपा जाता है। किसके द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है जी ओछड़ी, कौन सा, ओछड़ी गांव है एक, ये चित्तौड़ का गांव है ओछड़ी गांव। यहां पर ही साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास आग्रह करते हैं, किससे करते हैं जी, विजय सिंह पथिक से करते हैं, और कहते हैं कि आप जो है बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। तब जो है 1916 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। अब जी विजय सिंह पथिक ने भी यहाँ कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए, उनकी बात मैं यहाँ पे आपसे करना चाहूँगा। बात है जी 1917 की, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1917 की बात कर रहे हैं, 1917 में बेरीसाल गांव पड़ता है, कौन सा गांव जी, बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या को, कौन सी अमावस्या है, हरियाली अमावस्या का दिन था, हरियाली अमावस्या के दिन ये एक ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। किसका, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करते हैं, किसका गठन करते हैं जी, ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन करते हैं, कौन करते हैं जी, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। कब, बेरीसाल गांव में किया जाता है। इस दिन तिथि क्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है, आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपरमाल पंचबोर्ड है ये ऊपरमाल के सरपंचों का संघ था, किसका, सरपंचों का संघ था जी। इसमें कुल 13 सदस्य थे, कितने सदस्य, 13 सदस्य थे, और एक सदस्य का नाम है मन्ना पटेल, क्या नाम है जी, मन्ना पटेल। ये मन्ना पटेल जो है इसको बनाया जाता है जी अध्यक्ष बनाया जाता है, ऊपरमाल पंचबोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया, मन्ना पटेल को बनाया जाता है। इस समय ही माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर के विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया में कुछ विद्यालय भी खोलते हैं, और प्रचार प्रसार हेतु यहां पर एक समाचार पत्र निकाला गया, प्रचार प्रसार हेतु एक समाचार पत्र निकाला गया था जी। क्या निकाला गया, समाचार पत्र। इस समाचार पत्र का नाम था जी ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका इस समाचार पत्र का नाम था। ये भी निकाला गया था विजय सिंह पथिक के माध्यम से, ये निकाला गया था कौन सा, ऊपरमाल का डंका। इससे बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। एक व्यक्ति है जी गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन जी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं ये कानपुर से एक अखबार प्रकाशित करते थे, कहाँ से, कानपुर से एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। उस समाचार पत्र का नाम था जी प्रताप, क्या नाम था, उस समय काफ़ी फेमस समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र का नाम प्रताप था, और कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से। प्रकाशित करने वाला कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी। इस गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक के द्वारा, किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक जो है एक चांदी की राखी बेचते हैं, किसी राखी, चांदी की राखी, कैसी राखी, चांदी की राखी, चांदी की राखी बेचते हैं जी। कौन बेचते हैं, विजय सिंह पथिक बेचते हैं। किसको बेचते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी को बेचते हैं कि आप जो है इसके बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में अपने समाचार पत्र का योगदान दीजिए। तब जो है
प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी थी। किस समाचार माध्यम, किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप से। तो यहाँ तक की बात जो है अपन ने कर लिया। एक जो मैं आपको बताऊंगा कि जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, तिलक एक समाचार पत्र था तिलक का, मराठा। ये मराठा समाचार पत्र जो है ये निकलता था जी पूना से। कहाँ से प्रकाशित होता था? पूना से। और ये मराठा समाचार पत्र हैं, इसकी भाषा थी अंग्रेजी। कैसी थी? अंग्रेजी थी जी। पूना से प्रकाशित होता था। इस मराठा में तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की, जो किसान हैं उनकी वीरता से प्रभावित होकर के कुछ संपादकीय लिखे इस मराठा समाचार पत्र में। और न कि उसने संपादकीय लिखे, बल्कि तिलक ने मेवाड़ महाराणा को इस संदर्भ में किसानों के पक्ष में पत्र भी लिखे। किस लिए? बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार प्रसार के लिए, इसकी सुलह के लिए तिलक के द्वारा भी मराठा समाचार पत्र में लिखा गया था। तो यहां तक अपन ने बात की समाचार पत्रों की। अब दो गीतों की बात भी मैं यहां करना चाहूंगा कि विजय सिंह पथिक, कौन जी? विजय सिंह पथिक इस दौरान झंडा गीत लिखते हैं। कौन सा? झंडा गीत। और माणिक्य लाल वर्मा, कौन से वर्मा? माणिक्य लाल वर्मा ये पंछीड़ा गीत लिखते हैं। कौन सा? पंछीड़ा गीत जो है इसकी रचना करते हैं माणिक्य लाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि बिजोलिया के अंदर विजय सिंह पथिक 1916 से 1927 द्वितीय चरण में जोड़ते हैं। और इस द्वितीय चरण में जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और 1917 में बेरीसाल गांव में एक उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की जाती है। ये उपरमाल पंचबोर्ड जो है सरपंचों का एक संघ था और इसमें 13 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष बनाया गया था मन्ना पटेल को। और इसके अलावा मैंने बताया कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक प्रताप समाचार पत्र निकाला जाता था। और विजय सिंह पथिक के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी गई और उन्होंने अपने समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया था। और तिलक ने भी अपने मराठा समाचार पत्र के अंदर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन पर कुछ संपादकीय लिखे और मेवाड़ महाराणा को पत्र भी लिखा था। इस दौरान विजय सिंह पथिक ने झंडा गीत और माणिक्य लाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत की रचना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमें दूसरे चरण के दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन की जो है प्राप्त होती हैं। इसके बाद की बात करते हैं, मेवाड़ महाराणा जो है 1919 में एक मांडलगढ़ का हाकिम था। 1919 में मेवाड़ महाराणा मांडलगढ़ के हाकिम, कहाँ का हाकिम? मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन सा जी? बिंदुलाल भट्टाचार्य। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य को जो है भेजते हैं कहाँ? मेवाड़ भेजते हैं, बिजोलिया भेजते हैं सुलह के लिए। तो 1919 में मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया जाता है। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और इस आयोग ने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी जी? किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा 8 अक्टूबर, कितने अक्टूबर? 8 अक्टूबर और 1921 की। कब की जी? 8 अक्टूबर 1921 को। कुंता नहीं दिया किसानों ने। क्या नहीं दिया जी? कुंता नहीं दिया। किसने नहीं दिया किसानों ने? कुंता एक टैक्स था जो कि खड़ी फसल पर लिया जाता था, यानी खड़ी फसल को बांटने की एक प्रक्रिया, एक तरीका कुंता कहलाता है। तो कुंता उन्होंने दिया नहीं और फसल काट ली। तब जो है बिजोलिया ठिकाने में खलबली मच गई। और इस दौरान जो है 4 फरवरी और 1922 को राजपूताना का एजेंट था। कब जी? 4 फरवरी 1922 को राजपूताना, राजस्थान को कहा जाता था, राजपूताना का एजेंट था हॉलैंड। कौन था जी? ये हॉलैंड था। ये हॉलैंड जो है बिजोलिया पहुंचता है
और इस बार किसानों का जो नेतृत्व है बिजोलिया में, ये आता है ओलैंड, तो किसानों का नेतृत्व किया जाता है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। कौन से संघ के द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और 1922 में ही यहाँ समझौता हो जाता है हॉलैंड की मध्यस्थता से, एक समझौता हो जाता है राजस्थान सेवा संघ के साथ। इनका क्या होता है कि 35 लाख बाग खत्म कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? 35 प्रकार के कर या टैक्स या जो लाख बाग थी वो बिजोलिया से खत्म कर दी जाती हैं। लेकिन एक यहाँ पर और होता है, एक बात और होती है, कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। इस चरण में किसानों से असिंचित भूमि पर, कौन सी? असिंचित भूमि पर सिंचित भूमि, असिंचित भूमि पर सिंचित भूमि के बराबर, असिंचित भूमि पर सिंचित भूमि के बराबर टैक्स लिया जाता है, जिसका किसानों ने विरोध किया। अतः हॉलैंड वाला जो समझौता है वो एक बार फिर से क्या होता है? विफल होता है। और इसके बाद हमारा जो चरण आता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण आता है, जो प्रारंभ होता है 1927 में। कब प्रारंभ होता है जी? तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, चरण नंबर 3 प्रारंभ कब हुआ? 1927 में। समाप्त कब हुआ? 1941 में। इस समय क्या होता है जी? नेतृत्व किया जाता है जमनालाल बजाज के द्वारा, जमनालाल बजाज इस समय नेतृत्व कर रहे हैं तीसरे चरण का। कौन से चरण की बात कर रहे हैं? तीसरे चरण की। तो इस समय मेवाड़ में जो है माणिक्यलाल वर्मा, कौन जी? माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ के पीएम यानी प्रधानमंत्री इस समय थे जी टी राघवाचार्य। कौन थे? टी राघवाचार्य। वे राजस्व मंत्री थे जी, राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। कौन था जी? मोहन सिंह मेहता। इनके द्वारा जो है इस आंदोलन में, इनकी मध्यस्थता से एक अंग्रेज अधिकारी और थे विल्किंसन, विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी थे ये। कौन कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के पीएम टी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, विल्किंसन। इनके द्वारा क्या करा दिया जाता है? समझौता करवा दिया जाता है। 1941 में होता क्या है? जो 1922 में समझौता हुआ था, कौन सा समझौता? 1922 में जो हॉलैंड करके गया था उस समझौते को लागू कर दिया जाता है। और जो लागबाग हैं वो 35 के अलावा काफ़ी सारी जो है लगभग जो मांगे हैं किसानों की मान ली जाती है, किसानों की भूमि इनको वापस दे दी जाती है। और इस प्रकार से ये भारत का प्रथम अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन समाप्त होता है। कब? 1941 में। मैंने प्रारंभ बताया था इसका 1897 में और चलता है 1941 तक। कुल मिलाकर के ये 44 वर्ष लगातार चलता है, इसलिए इसे राजस्थान का मैराथन आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैराथन आंदोलन। इस समय जो है महात्मा गांधी ने भी कहते हैं कि अपना जो सचिव था महादेव देसाई, गांधी का सचिव कौन? महादेव देसाई, महादेव देसाई। इस महादेव देसाई को बिजोलिया भेजते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं, क्योंकि उस समय पथिक मुंबई गए हुए थे और मुंबई से जो महादेव देसाई हैं इनको साथ भेजते हैं महात्मा गांधी बिजोलिया की तात्कालिक जानकारी के लिए। पत्र वगैरह भी लिखते हैं लेकिन उससे कोई सुलह निकल नहीं पाती हैं। एक आपको हिंदी साहित्य के इतिहासकार के बारे में, सॉरी एक जो साहित्यकार है हिंदी साहित्य का, उसका नाम यहाँ मैं लेना चाहूँगा, मुंशी प्रेमचंद। कौन से जी? मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद है, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। क्या लिखा गया था जी? उपन्यास। उस उपन्यास का नाम था
रंगभूमि, क्या नाम था जी, रंगभूमि तत्कालीन समय में बहुत ही चर्चित रहा था। ये प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार रहे हुए हैं। जिस समय कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद पहले बाबू गुलाब राय के नाम से लिखा करते थे, सॉरी बाबू नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और बाद में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद कर लिया था। उस दौरान इनके 12 उपन्यास माने जाते हैं जिसमें से रंगभूमि जो है प्रमुख उपन्यास है। और इस रंगभूमि में बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक मिलती है। हमें क्या मिलती है जी, बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक मिलती है। तो राजस्थान के संदर्भ में मित्रों अपन ने बात की है, आज किसान आंदोलन का एक नया प्रकरण अपन ने शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में जो आपके स्कूल व्याख्याता लेक्चरर जो परीक्षा है उसके प्रथम पेपर के दौरान जो सब्जेक्ट आपका राजस्थान इतिहास लगता है उसमें मैंने आपको महाराणा प्रताप, राजस्थान के मुख्य व्यक्ति, तब 1857 की क्रांति और अब जो अंतिम बिंदु है किसान आंदोलन राजस्थान के, ये हमारे प्रगति की ओर है। अति शीघ्रता से हम इनको पूर्ण करेंगे और सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा। अतुल्य आरएस ऑनलाइन का ये आपसे वादा है, आप इत्मीनान से हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। हमारी पूरी अतुल्य टीम की ओर से मैं आपका एक बार फिर से संस्थान में अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।